हम सबके दिलों के सुपरस्टार है वो। जंगल मेरा मुझे कहते हैं शेर। इनके लाखों करोड़ों फैंस की तरह मेरे और मेरे बेटे का भी सपना है अपने सुपरस्टार के साथ एक सेल्फी लेना। आज शुरू से शुरुआत करते हैं। हीरो नंबर वन का फैन हूं मैं नंबर वन, तो भाई लफड़ा भी नंबर वन होगा। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समित, आप देख रहे हैं समित रिव्यूज। सो मैंने देखा सेल्फी मूवी का ट्रेलर स्टारिंग इमरान हाशमी एंड अक्षय कुमार। इस साल बैक टू बैक दूसरी रिमेक सुनने के बाद दिमाग पहले से ऑफ हो गया था, बट एक चीज मुझे अच्छी यहाँ पे लगी कि ये जिस मूवी की रिमेक है वो मूवी हिंदी में अवेलेबल ही नहीं है। तो एक यहाँ पर जो है वो मेरे अंदर पॉजिटिविटी जागी कि मूवी हो सकता है बहुत अच्छी हो, क्योंकि मैंने इसका ओरिजिनल वर्जन नहीं देख रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या रहा ट्रेलर, कैसा रहा ट्रेलर, सब कुछ बताएंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर दे। चलिए शुरू करते हैं। सो मैंने देखा है सेल्फी मूवी का ट्रेलर, और ट्रेलर को काफी अच्छी तरीके से जो है वो कट किया गया है। काफी ज्यादा यहाँ पर हमें दिखाए भी गए, कुछ एकाक डायलॉग्स दिखाए गए। एंड स्टार्टिंग का जो वो अक्षय कुमार वो बोल रहे थे कि वो अपने बारे में बता रहे थे या फिर ये मूवी के डायलॉग्स हैं, मैं यहाँ पर कंफ्यूज था। सो मैं आपको एक बार वो सुना देता हूँ कि वो बोल क्या रहे थे। एक्चुअली इस साल में 4 पिक्चरें करनी होती हैं, 2 ओटीटी की भी और 28 एड्स भी हैं सर, 17 शोज और एक आधा रियलिटी शो भी करना। सो ये जो है वो अक्षय कुमार बोल रहे थे, मुझे ये कंफ्यूजन है कि क्या वो रियल था या फिर राइटिंग में ऐसा था। सो अगर मैं बात करूँ ओवरऑल जो ट्रेलर है वो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। ट्रेलर में हमें बेसिकली दिखाया गया है कि किस तरह से इमरान हाशमी जो है अक्षय कुमार के हैं जो फैन है, यानी कि वो अपने हीरो के वो फैन है। एंड उनका ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए वो फिर वहाँ पे एक मैटर क्रिएट होता है, और वो मैटर किस तरह से आगे बढ़ेगा, हीरो के लिए फैन की क्या वैल्यू होती है, आपको इस मूवी में जानने के लिए मिले। अगर मैं बात करूँ जो मूवी है वो काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। सबसे अच्छी बात यह कि जो इसका ऑफिशियल वर्जन है साउथ में ना हुआ मलयालम इंडस्ट्री में, तो वो मेरे ख्याल से हिंदी में अवेलेबल है ही नहीं। तो इस वजह से भी मूवी के अंदर जो है वो कमाई करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और मुझे ये भी देखना है कि अक्षय कुमार जो उनका 2022 इतना खराब गया, क्या वो फरवरी महीने से एक का डबल कर देंगे, 21 दिन में पैसा डबल। और देख सकते हो 22 फरवरी को जो है ये मूवी आने वाली है, तो देखते हैं वहां से 21 दिन में क्या पैसा डबल होता है या फिर नहीं। सो आप में से कौन कौन लोगों ने इस मूवी का ट्रेलर देखा या फिर नहीं देखा, कैसा लगा आपको ट्रेलर एंड इमरान हाशमी इसके अंदर, मुझे काफी ज्यादा अच्छे लगे। एंड जो इस साल भी मुझे लग रहा है इमरान हाशमी के नाम होने वाला है, उनकी टाइगर 3 आने वाली है, ये काफी ज्यादा मजा आने वाला भाई। 2023 मुझे ऐसा लग रहा है कि बॉलीवुड का होने वाला है। एंड पठान भी देख रहे हो भाई आने वाली है, और सहजादा मूवी भी फरवरी महीने में आने वाली है। तो देखते हैं दोनों में क्या ही टक्कर होती है, दोनों ही रीमेक है, बट एक का जो है वो हिंदी वर्जन अवेलेबल है एंड सेकंड का हिंदी वर्जन नहीं है। अब ये देखना कि पब्लिक किसे ज्यादा एक्सेप्ट करती है। आपको क्या लग रहा है सहजादा वर्सेस सेल्फी, आपको कौन सी देखनी चाहिए या फिर आप कौन सी देखने जा रहे हो, आप कॉमेंट में बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, बने रहिए, मुस्कुराते रहिए।